वेलकम बैक गाइस ट्रेन इन सोल के चैनल पर। और आज जो हम ट्रेन चलाने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस है, और हमारी जो ट्रेन है ठाणे रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। और ठाणे रेलवे स्टेशन हमारे खानदेश से रुकता है, यार क्या बनाया है। और अभी हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है कल्याण की तरफ, और अब मैं आपको आगे कारण लक्षण हो रहा है जो कि है शायद सीएसएमटी कल्याण स्लो से और वैफ फोर के साथ चेन्नई एक्सप्रेस कानपुर शेड का वैफ फोर जो कि ऑफ लिंक है, मेगा ऑफ लिंक है इस ट्रेन के लिए। बट यार मेरे पास यही अवेलेबल था जिसमें कैबिन है, और इसे कैबिन जो है थोड़ा एरर में है अभी, पता नहीं क्यों। और ये लोको जो है वो MIB प्रोडक्शन का है, और ये देख सकते हैं यार क्या ट्रेन है, क्या बनाया है रमेश महाजन जी ने कल्याण और ठाणे सेक्शन को। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो बस स्टेशन है वो भी प्रॉपर बनाया गया है, ये देख सकते हैं यार एकदम ऐसे ही बस स्टेशन गई है। और ये जो ऑब्जेक्ट उठाया है वाओ, ये जो चीज़ें हैं एकदम रियल है कल्याण के बाहर, आयरे ठाणे स्टेशन के बाहर। और मैं यहाँ से ट्रैवल किया यार, मैंने यहाँ से बसेस लिए बहुत बार बसेस लिए, और हमारी ट्रेन जो है 80 की लिमिट में है अभी, तो मैं ट्रेन की स्पीड को जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और हमने जो प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है, हमारा लास्ट कोच जो है हमारा SLR वो भी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से छोड़ने के लिए रेडी है। और ठाणे स्टेशन जो है ना यहाँ पे यार मिसिंग बता रहा है, जबकि हम यहाँ पर अराइव कर डिपार्ट कर रहे हैं, पर कोई ना यार चल जाएगा, मिस हो गया तो मिस हो गया। ट्रैक्स देख सकते हो किस तरह बिछाया गया है, वाओ अच्छा लग रहा है। और अभी जो है हम पारसिक टनल में एंटर करने वाले, और पारसिक टनल इस रूप का आप देखो यार, खुद देखो, हर चीज मैं नहीं बताने वाला। देखिए यार ठाणे को मिस बता रहा है, बट एक्चुअली हमने मिस नहीं किया है। अगर आपने पार्ट वन जर्नी देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम जो है ठाणे पहुंच चुके थे, और हम जो है मुम्बरा वाली लाइन से जाने वाले हैं कल्याण। वो देख सकते हो ये जो डायरेक्ट है ना, ये पारसिक टनल से आ रहा है, ये पारसिक टनल के एकदम अंदर से जाके डिब्बा जाता है, और हम जो है थोड़ा घूम कर थोड़ा राउंड मार कर जाएंगे। और यहाँ से हमारी ट्रैक्स जो है अलग हो रही है। ओके गाइस बाय 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 बोल दो। और अब हम इस साइड आते हैं तो हमारी ट्रेन देख सकते हो कर्व ले रही है, प्यारा सा कर्व ले रही है भाई। 24 कोचेस की ट्रेन है, ICF ट्रेन आपको पता है कि 22 कोचेस की नहीं होती हैं, 24 कोचेस की होती हैं। और हमारी जो LHB ट्रेन है वो 22 कोचेस मैक्स होती है, जिसमें 2 EOG होता है और 20 मेन कोचेस होते हैं। वाओ प्रयागराज एक्सप्रेस में शायद लगता था, देख रहे हैं यार बैक फोर का लेके जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कोच काउंट कर लो। और खानदेश के ट्रैक्स यार नेक्स्ट लेवल होते हैं। और यहाँ पर एक और शायद कल्याण CSMT स्लो लोकल ट्रेन हमें क्रॉस करते हुए जा रही है, और ये इसके जो मैंने ICF कोचेस टीम वीरसा प्रोडक्शन के यूज़ किए, BG प्रो वाले यार बहुत यूज़ किए हैं, और BRW वाले भी, तो सोचा आज इनको मौका दिया जाए। और ये मेरे फेवरेट हैं यार सच में, इनका ब्लू टेक्सचर है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमने कालवा स्टेशन को स्किप कर दिया, और इस लोकल ट्रेन जो हमें स्किप ओवरटेक करके गई थी, और स्किप करने के बाद हम उसे पैरेलल ओवरटेक मारने वाले हैं, अभी नहीं क्योंकि वो रुक गई CSMT कल्याण स्लो, अब तो बहुत पीछे चली गई है। और यहाँ पर एक और लोकल ट्रेन CR की हमें क्रॉस कर रही है, टिटवाला CSMT, देख रहे हो क्या ही बनाया है यार रूट को। एक सेकंड मुझे एक ट्रैक देखी यार, वाओ हमारे जो ICF कोचेज हैं बड़े प्यारे लगते हैं यार, और जो खानदेश का जो ट्रैक टेक्सचर है और जो स्क्रीन का ब्राइटनेस आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है देखने में।
और मैं ना अपने सारे रूट्स में लगभग खानदेश के ही ट्रैक्स यूज कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी वाह, ये लोकल ट्रेन देख रहे हो, वही लोकल ट्रेन है, अब वो भी चल रही है और हम भी थोड़ा पार्सिक टनल में एंटर करेंगे, बट बहुत कम सेकंड के लिए, बिकॉज हमारे सेक्शन में पार्सिक टनल का जो एरिया कवर किया गया बहुत छोटा सा है। मुंबरा वाली लाइन है ये, पहले यहाँ स्लो लाइन थी बट बाद में यहाँ पर भी फास्ट लाइन बना दी गई। अच्छा लग रहा है यार ट्रेन, हमारा दो व्यू से जर्नी करने का अपना ही अलग मजा होता है। और देख सकते हो धीरे धीरे हम पार्सिक टनल में एंटर कर रहे हैं। और यार मॉनसून का टाइम है एंड समझ सकते हो यार, ये पैच देख रहे हो। तो ये पैच एक्चुअली आया है बट मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो कर देंगे कोई ना। 100 की स्पीड लिमिट है तो थोड़ा ट्रेन की स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, बिकॉज हमें 1 बजकर लगभग 40 मिनट तक कल्याण पहुंच ही जाना है यार। और 110 की स्पीड पे हमारी ट्रेन जो है चलने के लिए रेडी है। और भाई चलो पासिक टनल और देख सकते हो उसको पहले, यहाँ ये देख रहे हो, और ये देखो अभी, और ये जो रोड गया है ये सेक्शन को देखो, महाराष्ट्र की लाल परी देखो, वाव नेक्स्ट लेवल है यार ये, इतना जो सेक्शन है ये नेक्स्ट लेवल है। और हमारी ट्रेन जो है 100 की स्पीड को टच करने वाली है, और फिर से हम टनल में एंटर कर चुके हैं, और फिर से एकदम छोटा सा टनल है ये, बोला था ना एकदम छोटा सा टनल है। बस टनल जो है ख़त्म हो चुका है हमारे सेक्शन में, और हमारी ट्रेन जो है 95 की स्पीड को टच कर चुकी है, 100 करने वाली है। और ये देख सकते हो, चलो यार थोड़ा विंडो में चलते हैं ऊपर से देखते हैं। ये देखो अभी हम किसी और, ये देख रहे हो ये पार्सिक टनल पूरा गया है, वो जो मेन लाइन है ना इसको क्रॉस, इसके क्रॉस करते हुए गई है एकदम से। और हम जहाँ जा रहे हैं अब हम मुमरा को स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग मुम मत निकलना, नहीं यार हैं थोड़े जोक्स लोग करते हैं इसीलिए मैंने भी कर दिया, कोई ना। अम्बरनाथ CSMT स्लो, ये जो ट्रेन है ये अम्बरनाथ से आ रही है और CSMT को जा रही है, और हम जो है अभी डीवा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और देख सकते हैं हमारी ट्रेन क्या स्पीड में चल रही है, और फुल ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो देख सकते हैं यार पार्सिक टनल से जो लाइन अलग हुई थी, सेपरेट हुई थी, वो लाइन जो है अब आ चुकी है, और एक प्रॉपर कर्व बनाते हुए हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है। और यहाँ से ही डीवा से हमारा पनवेल यानी कि रोहा कोंकण के लिए लाइन जो है अलग हो जाती है। वाह नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल। जो हमारी पुणे जाने के लिए प्रगति एक्सप्रेस है ना वो भी इसी लाइन से ऐसे सेपरेट होती है, मतलब पनवेल होके जाती है, और जो हमारी डेक्कन क्वीन है वो कल्याण कल्याण करजत होके जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या लेके गया यार लोको पायलट, देख रहे हो 112 की स्पीड में हमारी ट्रेन जो आगे बढ़ रही है यार, स्टेशन को एकदम धो दिया है। कौन सा स्टेशन है देख जानते हैं यार, पता नहीं, डीवा ही है। अरे मैंने बोला था यार डीवा, और मैं खुद ही भूल गया, अरे भूलने वाला प्रॉब्लम है ना मुझे बहुत हो रहा है। और ये देखो यही ट्रैक है जो अलग हो जाता है, और ये ट्रैक जो जा रहा है अभी हमारे रोहा की तरफ। भाई ये ट्रैक कसम से मुझे इस सेक्शन पे ट्रेन चलाने का मन है, बट देखो कब चलाते हैं। 114 की स्पीड हमारी हो चुकी है, और हमारा 8.7 किलोमीटर में हम कल्याण पहुंचेंगे, और मैं जर्नी को आगे लेके जाने वाला हूँ। तो बने रहो यार, जर्नी करो, एंजॉय करो, मजा करो, मजा नहीं लाइफ। ICF कोचेस बैक फॉर एक्शन, यार ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत रेयर देखने मिलता है, ICF प्लस बैक फॉर। देख रहे हो यार पूरा 110 की स्पीड में हमारी ट्रेन जो है एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ती हुई,
और मेरे पास टाइम है यार, अभी 1:30 हो रहा है, 1:30 यानी 13:30 को 1:30 बोलेंगे। और यहाँ पर ट्रैक अलग हो रही है यार, ये वाला सेक्शन मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा। अभी बहुत दिन बाद मैं ये खानदेश खेल रहा हूँ, बहुत दिन मतलब बोले तो बहुत दिन बाद मैं MSTAC खेल रहा हूँ, तो ये वाला जो सेक्शन है मुझे याद नहीं है अभी के लिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कि मुझे तो नहीं याद। और 6.6 किलोमीटर के बाद जो है हम पहुँच जाएंगे कल्याण रेलवे स्टेशन। कल्याण रेलवे स्टेशन जो कि अब 6 किलोमीटर के दूरी पर है, वहाँ पर हमारा प्रॉपर अराइवल होने वाला है। क्या बोलते हैं, प्रॉपर अराइवल करते हैं एकदम। और ये जो सकते हैं प्रॉपर रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए, एकदम हाई स्पीड स्किप करते हुए और लोकल ट्रेन को क्रॉस करते हुए, बैक फोर पूरे मूड में आ चुका है। वाओ, देख रहे हो यार, ये ICF प्रोजेक्ट बस जा रहे हैं। और कोपर को शिफ्ट करते ही दूसरा स्टेशन आ गया। टी वर्ड्स को थोड़ा इग्नोर करो, मुझे पता नहीं यार ये इनके टी वर्ड्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्या नाम है। टीम बिरसा प्रोडक्शन के टी वर्ड्स से कुछ मुझे आइडिया इतना नहीं है, तो उनको थोड़ा इग्नोर करो। और भाई कौन सा स्टेशन शिफ्ट कर रहा है, लोगों का आवाज़ एकदम गजब का आ रहा है। देख रहे हो यार, लोगों के पर्सपेक्टिव से हम क्या स्किप मार रहे हैं। और हमने जो है डोंबिवली को शायद स्किप किया है, पता नहीं कौन सा था, देख लेते हैं। बोला था ना डोंबिवली है यार, मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई का सेक्शन थोड़ा बहुत पता है, बट सेंट्रल लाइन की साइड जाना कम होता है, वेस्टर्न लाइन अपना मेन है। मुंबई है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल और वेस्टर्न। क्या बात है, मजा आ गया एकदम कर्व करते हुए। चलो यार ट्रेन की स्पीड को अब थोड़ा कम करते हैं, ट्रॉटल को मैं क्लोज कर दूंगा। मैंने जो है 30 का ट्रॉटल दे दिया हमारी ट्रेन को, और हम शिफ्ट कर रहे हैं ठाकरोली रेलवे स्टेशन को। वाओ, क्या लेके जा रहा है यार ट्रेन को। वाओ, और स्काई का टेक्सचर देख सकते हैं यार, कितना प्यारा लग रहा है। ये स्काई टेक्सचर किसका है यार, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं आपको बता देता। यार बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ, लिटरली बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ। मैं मुझे लगता है जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम इसे खेला था मई के मंथ में, मई के बाद मैं अभी खेल रहा हूँ जुलाई एंडिंग में, लगभग 26 जुलाई है आज। और ब्रेक को कर देते हैं रिलीज, क्योंकि हमारी ट्रेन की स्पीड जो है एकदम कम हो चुकी है, इतना भी स्लो नहीं जाना है हमें, 31 की स्पीड हो रखी है अभी। अभी टाइम है यार वैसे तो, बट वीडियो यार लंबा हो जाएगा, मैं लगभग 55 मिनट का वीडियो सोच के प्लान किया हूँ, 55 से 50 मिनट्स मैक्स 1 आवर, उसके ऊपर करना यार थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर वॉचिंग कम आती है, एवरेज वॉचिंग कम हो जाती है। पता नहीं यार आप लोग पूरा वीडियो क्यों नहीं देखते, इतना अच्छा जर्नी जा रहा है, इतना अच्छा ट्रेन जा रही है हमारा, इतने प्यारे लोकोज हैं, इतने प्यारे कोचेज हैं, पूरा वीडियो देख के जाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। पर चलो कोई ना भाई, अपने अपने पर्सपेक्टिव है, देख सकते हो यार ऊपर का व्यू दिखाऊँ आपको, तो ये हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है। चलो यार उस ट्रैक पर बैठ के देखते हैं, ये जो ट्रैक है, नहीं यार ये ट्रैक ही है शायद, पता नहीं क्या है, ये ट्रैक के टेक्सचर में बनाया है कुछ रोड। और वहाँ यहाँ से हम अपनी ट्रेन का व्यू लेंगे, थोड़ा इसको वाइड कर देंगे, थोड़ा कम वाइड कर दिया यार, बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया। देख सकते हो हमारी ट्रेन जो है यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, नीचे से ट्रेन जा रही है हमारी। चलो यार ट्रेन के पास चलते हैं, और मैं आपको कल्याण स्टेशन का पूरा जो एक ट्रैक व्यू दिखा रहा हूँ, ये एक ड्रोन व्यू समझ लो इसे, 8 प्रेस करके थोड़ा सेंटर में आ जाते हैं। और वो जो स्टेशन है वो कल्याण है,
और ये पूरा इसका ट्रैक का जो टेक्सचर है, जो ट्रैक बिछाया गया है पूरे रेलवे स्टेशन पर, ये देख सकते हो कितने सारे ट्रैक्स हैं कल्याण पर। और इसी से आप समझ जाओ कि इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं। अभी भी नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ से जो हमारी पुणे वाली लाइन है वो अलग होती है, और इगतपुरी नासिक रोड होते हुए भुसावल के लिए जो लाइन है वो भी अलग होती है। तो इसीलिए कल्याण जो एक मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है, मुंबई से अगर आपको यूपी साइड जाना है, भोपाल साइड जाना है, महाराष्ट्र के नागपुर या फिर नासिक, मनमाड, औरंगाबाद, यहाँ जाना है, तो आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, और होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको चाहे मालूम है तो कमेंट्स में बता दो। और अगर पुणे साइड जाना है तो आपको चेन्नई जाना है या बल्लार शाह यहाँ सब जाना है, तो आपको ये लाइन यूज करना पड़ेगा, मतलब पुणे के साइड से जाना पड़ेगा करजत होके। तो करजत और ये कसारा दोनों मेन रेलवे स्टेशन है, और हम कल्याण पर अराइव ले रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा स्पीड हो रखी है हमारी, मैं ट्रॉटल को एकदम कम कर देता हूँ और थोड़ी थोड़े ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ। 7 के मैंने ब्रेक्स दे दिए। देखो कैसा है ना, ये ब्रेक्स बहुत तेज अप्लाई करता है, बट फिर भी अब मैं ब्रेक्स दिए रहूँगा बिकॉज बहुत कम बचा है यार डिस्टेंस। वाह, तो 35, 34, 30, 30 मीटर्स पहले मैंने रोक दिया, और 13:37 एकदम टाइम पर पहुंचे हैं। और भाई हमारे पास पूरा का पूरा 3 मिनट बचा है, तो हम जो है थोड़ा स्टेशन का ओवरव्यू लेंगे और 3 पे जाके देखेंगे। यार शी वे हमारा SLR कुछ पूरा नहीं आया, चलो तो 2 पे चलते हैं, थोड़ा जा सकते थे आगे हम, क्या बोलते हो? आप जाएंगे तो यार तो डिपार्चर का बता देगा। और देख सकते हो यार, मैं आपको यही बात बता रहा था, ये जो देख रहे हो ना यही वो सेक्शन है। और यहाँ से जो है पूरा ट्रेन जाता है, जो वो नासिक की तरफ जाता है कसारा इगतपुरी होके, और यहाँ से जो जाता है वो करजत और क्या बोलते हैं यार उसको, लोनावला, लोनावला बोलेंगे, लोनावला जो वहाँ सब घूमने जाते हैं, करजत लोनावला होते हुए वो पुणे साइड जाता है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे पुणे निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी है, तो इसका जो रूट है ना ये पुणे से बन के आ रही है, मतलब पुणे से अभी आ रही है, और ये निजामुद्दीन यानी हजरत निजामुद्दीन जाएगी, हजरत निजामुद्दीन। और यार इसमें मैंने लगता है फ्री वेयर वाले दुरंतो को चीज लगाए क्या, चलो ठीक है जो भी लगे। तो ये जो ट्रेन है ना मेरे हिसाब से पनवेल से जाएगा, पनवेल से वसई रोड, फिर वहां से पूरा अपना सूरत वडोदरा यही सब होते हुए जाएगा। सही है भाई तेरा भी, खड़े रहे शांति से, मैं तो गया अपने चेन्नई के पास। वाह, कल्याण के प्लेटफॉर्म पे, चलो यार इस प्लेटफॉर्म पर मैंने बहुत 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 ट्रेनें बोर्ड की हैं और डीबोर्ड भी की हैं। और यहाँ पर जो है अमूल का दूध मिल रहा है, चलो दूध खरीदते हैं। हाँ भैया कितने में? 20 में दे दो एक। अरे भैया लस्सी नहीं मांगा, दूध मांगा, दूध ऐसा दूध नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। चलो दूध तो नहीं मिली हमें, चलो आगे चलते हैं, लोगों की एक फोटो लेके आते हैं अपने। अभी भी हमारे पास 40 सेकेंड्स हैं, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए यार। और महानंदा का भी है यहाँ पर। अच्छा आपके पास दूध है भाई, वैपोर क्या आवाज कर रहा है, एकदम तगड़ा वाला दूध ले लिया मैंने भाई, महानंदा का दूध ले लिया है मैंने। ओ कल्याण, वाह भाई मजा आ गया। कैप्टन और F4 को हाइड करके प्रिंट स्क्रीन करेंगे, और F10 और F4 को वापस इनेबल कर देंगे, ब्रेक्स को रिलीज कर देंगे, और डिपार्चर का सिग्नल हमें मिल चुका है, तो ट्रेन को हम डिपार्च कर देंगे यहाँ से। एक हॉर्न बजाएंगे, प्रॉपर हॉर्न, और कल्याण से हमारा वैपकोर जो है एक्सेलरेट कर रहा है, 30 की लिमिट है। कल्याण जंक्शन से हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है। वाह अच्छा लग रहा है दिखने में।
और यार कर्जत दूर है यार, 50 किलोमीटर है यहाँ से। और साइड बाय साइड अगर आप देख सकते हो तो पुणे का जो दुरंतो एक्सप्रेस है कल्याण रेलवे स्टेशन पर अराइवल लेते हुए आगे बढ़ते हुए आ रहा है। तो यार देखते हैं लोनावला तक तो पूरा नहीं, अरे कर्जत तक तो पूरा नहीं जा पाएंगे हम, बट जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक की जर्नी दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैंने जो है 22 का ट्रॉटल दे दिया हमारी ट्रेन को, जिससे हमारी ट्रेन जो है 30 की स्पीड पर आ जाए और थोड़ी सी जल्दी एक्सेलरेट करे। तो यार कोचेस के डोर ओपन कर देते हैं और थोड़ा इसको वाइड कर देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है गाइस, मजा आ गया। वाइड एंगल में कैसा है ना, थोड़ा ज्यादा हमें व्यूइंग एंगल मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कल्याण का उस साइड का सेक्शन, और ये देख सकते हो वैप 5 के साथ पुणे निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर कल्याण के एकदम लास्ट वाला प्लेटफॉर्म है वो, उस पर एंटर करते हो। यार देख रहे हो कल्याण के ऑफिस में प्रॉपर एसी लगाए गए, यार क्या आवाज कर रहा है दुरंतो, ट्रैक साउंड देख सकते हो। 2 पे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, एक काम करते 3 पे चलते हैं। वाओ दुरंतो एक्सप्रेस, बाय बाय। चलो दुरंतो एक्सप्रेस देख सकते हो पूरी तरह से कल्याण पर अराइव कर चुका है और हमारी ट्रेन जो है पुणे की तरफ अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर रही है। 30 की स्पीड लिमिट है, 23 पे हम चल रहे हैं तो सही है मेरे हिसाब से। और कितना यार चाहिए आपको देख सकते हो यार, थोड़ा मैं आपको वाइड एंगल में दिखाऊं और अगर 8 प्रेस कर दूं और आपको सेक्शन थोड़ा दिखाऊं तो देख सकते हो यार क्या लेके जा रहा है लोको पायलट हमारी ट्रेन को। थोड़ा जूम करेंगे, जूम करते हैं यार, वाव प्रिंट स्क्रीन कर लेंगे। और ये पता नहीं क्या आ जाता है जिससे वीडियो पॉज हो जाती है, रिकॉर्डिंग भी एरर आता है। और यार कल्याण रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। चलो ठीक है करने देते हैं, चलो 5 प्रेस करते हैं। और देख सकते हो यार सामने से एक बदलापुर CSMT फास्ट लोकल ट्रेन आ रही है और हमारा जो सिग्नल एकदम ग्रीन हो रखा है और हमें 0.2 का ग्रेडियंट मिल रहा है, वो भी नेगेटिव, जो कि अब नहीं मिल रहा है। वाव क्या कोचेज एकदम वाइब्रेट हो रहे हैं। और ये जो है ये शायद से हमारी CSMT से CSMT की तरफ जा रही है, बिकॉज हम जो है पुणे वाले अप लाइन पे हैं तो ये पुणे डाउन लाइन पे ही होगा। वाव यार कुछ भी बोलो मजा आ जाता है लोकल ट्रेनों को देखकर, बट रियल लाइफ में अगर इनसे ट्रैवल करना हो अभी पीक आवर्स में तो भाई मुंबई वाले ये गम समझ सकते हैं, प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है मुंबई लोकल में पीक आवर्स में ट्रैवल करना, खास करके जो बदलापुर साइड से आते हैं या फिर क्या बोलते हैं अंबरनाथ यहाँ सारी जो ट्रेन से आती हैं उनमें क्या नेक्स्ट लेवल का रश होता है, क्योंकि सारे लोकल ट्रेनें नहीं जाती इन सेक्शनों पर। कल्याण पर मोस्ट ऑफ द ट्रेनें जो हैं टर्मिनेट हो जाती हैं और बहुत सारे लोग मुंबई में दादर या फिर अलग अलग एरिया में काम करने के लिए आते हैं इस एरिया से। और यहाँ पर गाइस गाइस क्या बात है, इतना सही चल रहा है यार। चलो अब 110 की स्पीड पे चलते हैं और यहाँ पर जो है हम एक्सेलरेशन का पूरा आपको दिखाते हैं यार कैसा है। भाई क्या रमेश महाजन जी ने देख रहे हो पूरा जो कचरा हुआ है वो भी दिखाया है। और वैप 4 का एक्सेलरेशन देखो गाइस, ये 24 कोचेस के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। 48 49 50 की स्पीड हमने टच कर दी है, देखो सेकंड्स में हमारी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। वाओ 48 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है,
क्या बोलते हो यार, खानदेश का सारा रूट है यार मेरे पास अब। खानदेश है द ग्रेट हिंदुस्तान रूट है, जिसको अब द नॉर्दर्न कॉरिडोर भी बोलते हैं। और फिर MIR को तो यार मैं भूल ही चुका हूँ सच में। MIR रूट मुझे खेलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। उसका वर्जन 2 पे तो मैंने अभी तक एक भी गेम प्ले किया ही नहीं, ना ही ओपन करके देखा है। वाओ क्या लग रही है हमारी ट्रेन, देखो 87 की स्पीड को क्या मिनट्स में सेकंड्स में टच कर गई यार, सेकंड्स में। कहाँ एकदम रोते रोते चल रही थी ट्रेन, और एक सेकंड में भाई वैप 4 ने 24 कोचेस ट्रेन को एक्सेलरेट करा दिया यार। वैप 4 जॉर्ड लुक है, वाओ क्या व्यूइंग एंगल मिल रहा है हमें। और डोर व्यू पे यार हम जर्नी कर रहे हैं, थोड़ा मॉनसून का सीन हो जाता ना तो मजा आ जाता। बट यार ये एक्ट पुराना है, मतलब पुराना है, बहुत दिन हो गया। वाओ तो नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है यार। पूर्वा एक्सप्रेस का एक्ट में लाऊं क्या, हमारे आशा सिद्दीकी भाई का जो एक्ट है पूर्वा एक्सप्रेस वाया गया, सोच रहा हूँ उसको खेलने का। और यहाँ पे हम उल्लासनगर रेलवे स्टेशन को फुल स्पीड में स्किप करते हुए, क्रॉस करते हुए, एक प्रॉपर सा कर्व लेते हुए 105 की स्पीड में हमारी जो चेन्नई एक्सप्रेस है आगे बढ़ रही है। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वाव। क्या जा रही है यार ट्रेन हमारी, वाओ गाइस मजा आ गया। 110 की स्पीड कैच कर ली है, मैं ट्रॉटल को थोड़ा कम कर दूंगा बिकॉज इतना ज्यादा यार स्पीड करके मतलब नहीं है। वाओ मजा आ रहा है यार, अनएक्सप्लोर्ड सेक्शन ऑफ खानदेश रूट। ऐसा बोलो मोस्ट एक्सप्लोर्ड सेक्शन ऑफ खानदेश रूट, बिकॉज अभी पुणे अपडेट आ जाएगा ना तो बैक टू बैक सारी जर्नी इसी रूट पर होंगी, इसी सेक्शन पर होंगी। भोपाल वाला सेक्शन तो यार मैंने देखा ही नहीं अभी तक खानदेश का, वेस्टर्न लाइन सेक्शन भी नहीं देखा। और क्या सबोक्स का मतलब पूरा देख रहे यार, पूरा झोपड़ी टाइप जो बनाया है स्टेशन के आउटर पर। और कौन सा स्टेशन है ये यार, देख नहीं पाया मैं, रुको देखते हैं। वो ये अम्बरनाथ को स्किप कर रहे हैं गाइस, अम्बरनाथ को हमारी ट्रेन ने 105 की स्पीड में स्किप कर दी है, वाओ। और क्या कर्व ले रहा है यार, मजा आ गया। क्या डोर व्यू है, ट्रैक देख सकते हो यार कितने फोर भाई साहब, स्कूटर वाले भाई साहब कहाँ 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 भाई कहाँ, आओ भाई ओवरटेक करो। वाओ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें और कवर करना है। और यार ये तो मान ही नहीं रहे, तो यार गाड़ी से देखते अपने को, शिफ्ट प्लस 4 दबाएंगे और देख सकते हैं यार क्या लेके जा रही है हमारी ट्रेन को। वैप 4 देख रहे हो, SLR कोच गई यार, एकदम ओवरटेक कर रही है गाड़ी, क्या लेके जा रही है यार ट्रेन को। वैप 4 इज ऑन बीस्ट मोड भाई, वैप 4 तो वैप 7 को रिप्लेस कर देगा अगर ऐसे ही चलेगा तो। थोड़ा आगे वाला पकड़ते हैं, शिफ्ट प्लस 4, हाँ चलो यार अपने नॉर्मल व्यू पे। और रोड जो है यही तक था, जो रोड था उसका जो साथ था हमारा छूट चुका है, और अब हम अपने रेलवे लाइन पर आ चुके हैं। तो बहुत जल्द यार मैं ना खानदेश रूट पर बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, बिकॉज मैंने इस रूट पर अपना बहुत पैसा खर्च किया है
आई थिंक मैंने कुछ 3800 रुपीज़ खर्च किए थे इस रूट पर। तो इस पर से भाई बहुत सारा वीडियो चलाना है मुझे, बट यार टाइम नहीं मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा नहीं हो पाता। बट लाएंगे, करेंगे, और जो करेंगे एकदम तगड़ा करेंगे, ये अपना प्रॉमिस है। तो आज की वीडियो में मैं बस यही तक का सेक्शन कवर करने का सोच रहा हूँ। तो गाइस लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और रेगुलर वीडियोस अब आएंगे, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, आगे जो है ट्रैक चेंज है, क्या होगा आगे वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, और ये हमारी एसी कोचेस पेंट्री कार। चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।